बच्ची नारा लगा रही थी, उसके भावनाओं को आपने रीड, पर्दा, लोग पुराने बुजुर्गों ने कहा था कि भोजन पर्दे के अंदर, हिजाब के साथ साथ देश के अंदर दुपट्टा के खिलाफ क्यों नहीं हुआ, देश में घूंघट के खिलाफ क्यों नहीं हुआ आंदोलन। नमस्कार, माई भारत में आपका स्वागत है। हम इस वक्त भारत माता मंदिर में हैं, जहां पर हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी हैं, जो शहर उत्तरी से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, फिलहाल में निर्दल प्रत्याशी हैं, चूँकि उन्होंने कांग्रेस में अप्लाई किया था लेकिन कोई बात नहीं बनी और कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट उतार दिया। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम आपसे एक इंडिविजुअल सवाल पूछते हैं, आपको हम एक कांग्रेस का लीडर मान के हम नहीं पूछ रहे। हाँ हाँ। हमारा पूछने का मकसद ये है कि अभी हिजाब को लेकर के काफ़ी माहौल गर्म है, आपका क्या मानना है? क्या देखिए, हर कोई स्वतंत्र है, कोई भी ड्रेस पहन के कहीं भी आ जा सकता है, आप भी कुर्ता पजामा पहन के राजनीति में हैं, हिजाब जो है स्कूल में कहाँ तक अलाउ करना चाहिए? क्योंकि एक स्कूल में हमेशा से ड्रेस कोड रहा है और भविष्य में भी रहेगा, तो वहाँ पे हिजाब का क्या काम है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या नज़रिया हिजाब को लेकर के? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, हिजाब पर ही सवाल क्यों? मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं भीमराव अम्बेडकर साहब को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, समानता को। हिजाब के साथ साथ देश के अंदर दुपट्टा के खिलाफ क्यों नहीं हुआ आंदोलन, देश में घूंघट के खिलाफ क्यों नहीं हुआ आंदोलन, देश में वो जो क्रिश्चियन पहनती हैं उसको एम से कोई नाम है उसका, मैं नहीं जानता हूँ, वो स्कार्फ पर क्यों नहीं, सिखों का जो पगड़ी है उस पर क्यों नहीं, कटार लेकर के उनके बच्चे जाते हैं पंजाबी लोग विद्यालय में पढ़ने, उस पर क्यों नहीं, खाली हिजाब, कहीं ना कहीं से गंदी मानसिकता। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो आप दुपट्टे की बात कर रहे हैं, दुपट्टा तो आपका आपके सुरक्षा के लिए है, चेहरे को धूप से या फिर अन्य चीज़ों से बचाने के लिए है, मगर स्कूल में नहीं, स्कूल में जाने के बाद तो दुपट्टा हट जाता है, ऐसा नहीं है कि बांध के, लेकिन हिजाब पहन के आप स्कूल में कक्षा कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं आपको समझ में आ रहा है कि अगर 50 अगर बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें 5 अगर ऐसे हैं जो हिजाब पहन के बैठे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सारी मुस्लिम लड़कियाँ जो सारी मुस्लिम छात्राएँ हैं वो हिजाब पहन के बैठे हैं, एक दो ही सिर्फ हिजाब पहन के क्यों? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, निजी स्वतंत्रता का मामला है, बच्ची नारा लगा रही थी, उसके भावनाओं को आपने रीड किया, क्या रीड किया बताइए, आप बताइए क्यों, क्यों रीड, क्यों वो हिजाब पहन कर आई और लगी, जब जय श्री राम का नारा लगा तो वो भी अल्लाह हुआ, क्योंकि इस देश के अंदर अम्बेडकर हैं, संविधान के अल्लाह अकबर का नारा जो लगा, रोका तो नहीं गया, मना तो नहीं किया गया, जय श्री राम का भी नारा लगा तो किसने रोका, किसी ने नहीं, तो मुद्दा ये नहीं है, तो मुद्दा हिजाब है, मेरी बात हिजाब निजी मामला है, जिसको पहनना रहेगा पहनेगा, आप देखिए, एक कक्षा में क्यों, स्कूल में क्यों भैया, एक चीज, एक नाम है पर्दा, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि घर का पर्दा कभी उतारना नहीं चाहिए, आपका मन है आप नंगा हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहस करिए हिजाब पर, बेहतरीन चीज, लेकिन भावनाओं को समझ, पर्दा, लोग पुराने बुजुर्गों ने कहा था कि भोजन पर्दे के अंदर होना चाहिए, बहन कक्षा में बिकनी पहनना चाहिए, प्रियंका जी ने बोला बिकनी भी पहन सकते हैं, बहन बेटियां पर्दे के अंदर होना चाहिए, सोना चांदी गहना रुपया पर्दे के अंदर, देखिए बहन बेटियां अगर पर्दे में हैं तो समाज दिक्कत क्या, अभी अभी जब किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती है तो आप कहते हैं कि वो फ्री है कुछ भी पहने, अभी आप पर्दा प्रथा की बात कर रहे हैं, पर्दा प्रथा खत्म हुए जमाना हो गया, सबको अपना अपना अधिकार है, जो चाहे पर्दे में रहे, जो चाहे पर्दे के बाहर रहे। अभी आप स्वतंत्रता के मामले पर हिजाब पर विरोध कर रहे हैं, कल को मेरे टीका पर विरोध करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका मन बढ़ेगा, हम ब्रेक लगा रहे हैं तो कौन सा आप, आप मतलब हिजाब के समर्थन में है? हाँ, एकदम घूंघट के समर्थन में है, दुपट्टा के समर्थन में है, आबरू बचाने के समर्थन तो में वो है। इसलिए है क्योंकि आपके टीका पे समस्या आ सकती है बाद में, हाँ, निश्चित रूप से क्यों नहीं आएगी, क्या समस्या आएगी, क्यों, जैसे उसे कोई आया हल्ला हुआ अकबर कर करके जो है, मेरा बच्चा अगर टीका लगा के जा रहा है पढ़ने और लोगों ने हल्ला हुआ अकबर कर दिया क्योंकि आप भी तो जय श्री राम कह रहे हैं, तो ये सांप्रदायिकता माहौल नहीं हो जाएगा, मेरा बच्चा मारा गया तब आप लोगों के इस हिजाब और दुपट्टा के चक्कर में मेरा बच्चा मारा जाएगा,
तो ना तो मैं टीका का हुआ, ना तो मैं हिजाब का हुआ, मैं तो मलकल का और कब्रिस्तान का हो गया। तो फिर ड्रेस कोड खत्म कर देना चाहिए, फिर धोती कुर्ता पहन के जाए, कोई कुर्ता पजामा, तो कोई कॉलेजों में कॉलेज में तो फ्री है। कॉलेज की बात हो रही है, नहीं बात स्कूल की हो रही है, जहाँ पे ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड का कॉलेज प्रबंधक करेगा। तो किया तो कॉलेज प्रबंधन ने ही तो आदेश दिया है कि यहाँ पे ड्रेस में रहिए। तो जय श्री राम के लोग कैसे पहुंचे? वो तो बाहर की बात है, बाहर जो इन्होंने विरोध किया है हिजाब का, उन्होंने नारा लगाया। कॉलेज में घुसा आप शायद पूरी वीडियो नहीं देखे। कक्षा की बात अलग है, कॉलेज परिसर की बात है। इसका यह मतलब कॉलेज परिसर में आप भी जाते हैं। सुनिए, इसका मतलब यह है कि देश के अंदर बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी लोग अपंग हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, प्रियंका जी का नौजवानों को प्रियंका जी का जो स्पीच था, उन्होंने प्रेस से बताया कि बिकनी भी पहना जा सकता है, तो इसमें समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, प्रियंका जी का वो अपना निजी विचार है, हम कहे होते हैं। अब तो मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो अब किस बात का उनका समर्थन? और हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है फिलहाल हिजाब पहनने से, तो क्या हाईकोर्ट के आदेश को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? CNRC में भी उनका आदेश आया था, राम मंदिर में भी आया था, हर जगह तो आ रहा। हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के क्या आदेश मानते हैं आप? हाई कोर्ट का है कि रोक लगाए हैं, इंतजार कर रहे हैं। देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे हाई कोर्ट के माननीय जज हैं, और जज किसी भी पार्टी दल का नहीं होता है। जज कह देगा कि नहीं रोक हटाओ तो सो मोस्ट वेलकम है। जज की मामले की बात है ना, कोर्ट के मामले की बात। और जज ने कह दिया कि रोक लग गई है, तब तो रोक लग गई है तो ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा नागरिक है जो नहीं मानता है? अगर जज का इज्जत ना होता, कोर्ट की इज्जत ना होता, तो राम मंदिर बन पाता। चलिए अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपसे हमारी बातचीत हुई थी, आपने दावा किया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको अब इस वक्त आज का जो परिवेश है उसमें आपको लग रहा है कि कांग्रेस कहीं से सरकार बना रही है या दूसरे नंबर पर रहेगी? विपक्ष के भूमिका में सबसे ऊपर की दल कांग्रेस है, लाइजनिंग पार्टी है, और समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरीके से 58 सीटों का जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ है। तो हमको लगता है, और टिकट बंटवारे भी जिस तरीके से हुए हैं, हमको लगता है ये संयुक्त रूप से सरकार बना रहे हैं, और मेरी बात वो भी सही होगी कि कांग्रेस सरकार में। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये थे बनास वाले मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से हिजाब पर अपनी राय रखी है, और अंततः इन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हिजाब को लेकर के जो भी जजमेंट आएगा उसके साथ ही रहेंगे। माई भारत के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।